गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल सिंह योर मैथ्स टीचर एंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभ्युदय मुख्यमंत्री योजना पर। आज हम लोग बात करेंगे IIT JEE के एरिया अंडर द कर्व के सेकंड क्लास पर। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके आगे जो भी क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको इसमें दो लेक्चर ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। एक लेक्चर में हमने सबसे पहले ये देखा था कि ये जो टॉपिक है ये टोटली डिपेंड करता है इंटीग्रेशन पर, और इंटीग्रेशन पर डिपेंड होने की वजह से जो भी इंटीग्रेशंस के बेसिक्स हैं तो पहले हमने उनको कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आखिर किस टाइप के बनते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के हैं। तो बहुत आसानी से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था, आपने देखा होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेंस नहीं है, और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट थे वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व की सेकेंड क्लास पर। अब आज की क्लास में आखिर हमें क्या डिस्कस करना है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो टोटली डिपेंड होंगे पैराबोला पर। आज के क्वेश्चंस में आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो एरिया निकालेंगे हम लोग अंडर द कर्व उसमें पैराबोला लगातार आएगा। मान लीजिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई पैराबोला आपको दिया गया है, ठीक है, और एक कोई लाइन दी गई है, जैसे कि पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ आपको। अब मान लीजिए कि आपको ये लाइन दी गई है एक, और ये पैराबोला दिया गया है, और आपको बताना है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। देखिए, जैसे ये बाउंडेड एरिया जो है, ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है शेडेड रीजन, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो फाइनली आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो टोटली डिपेंड होंगे किस पर, पैराबोला पर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बेसिक्स पैराबोला के समझा रहा हूँ, और तुरंत उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूँगा पैराबोला के एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चंस पर, या कह सकते हैं कि पैराबोला और किसी एक लाइन के बीच का जो एरिया होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए, बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज की, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर पैराबोला क्या है। देखिए, पैराबोला कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है, है ना, ये इतना हम लोग जानते हैं पहले से ही, कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है, और इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक, ये है स्टैंडर्ड पैराबोला। ये क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, और ये जो मैंने आपके सामने बनाया है यही हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये कह सकते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, तो देखिए ये जो फिगर आ रहा है आपके सामने, इसमें देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो यहाँ से ए डिस्टेंस पर होता है, और ये हो जाएगा a,0, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, और इसे हम एफ से दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर ए दूरी पर, अब ये देखिए माइनस एक्स में हम जा रहे हैं, तो ये ए दूरी पर क्या होगा, एक और लाइन होगी यहाँ पे जिसे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट होता है, मान लीजिए वो पॉइंट इसको ओ मान लीजिए, है ना, इसको पी मान लीजिए, और ये इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए एक्स और वाई। अब यहां से इस पर परपेंडिकुलर आप डालिए,
डायरेक्ट्रिक्स पर। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस है जो कि हो जाएगी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब ये यहाँ से यहाँ पे भी एक लाइन अब इसे मिला दीजिए फोकस को। तो देखिए होता क्या है इसमें, ये पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, चलिए पी क्यू मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो पी क्यू अपॉन ओ पी होगा वो वन के बराबर होता है, यह कह सकते हैं ई के बराबर होता है, और जो ई है वो वन के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो पी क्यू इक्वल टू ई ओ पी आएगा और ये ई की वैल्यू वन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू ओ पी हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन है यहाँ पर, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, इसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। जितने भी कॉनिक सेक्शन वाले फिगर्स हैं सभी में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है, क्लियर। अच्छा एक बात और समझिए, देखिए एक बात और समझिए, इसी में अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, देखिए यहां से क्या होगा, ये जो फोकस है, ठीक है, ये जो फोकस दिख रही है आपको, यहां से एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसे एक लाइन ली जा रही है, है ना, जिसपे परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ये देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2a दूरी पर है, और जहाँ पे नीचे कट कर रही है अगर मैं उसको ऐसे मिला दूँ तो ये माइनस 2a हो जाएगा। तो आप बताइए इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हो जाएंगे भाई, ऊपर इधर हम कितना चले, इधर a चले, फिर ऊपर कितना चले 2a चले, तो ये हो जाएगा a 2a, ये हो जाएगा माइनस a माइनस 2a, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जिस पॉइंट पे ये पैराबोला को ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, है ना, जिस लाइन पे ये लाइन, जिस पॉइंट पे ये लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा यहाँ से 2a और यहाँ से भी माइनस 2a दूरी पर होगा। तो आप खुद बताइए कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे a 2a और ये हो जाएगा माइनस a माइनस 2a। अब अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा ये जो लाइन है ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम, इसको क्या बोला जाता है लेटस रेक्टम, इसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम, और इसकी अगर वैल्यू देखी जाए तो आप बताइए 2a ऊपर है 2a नीचे है, माइनस प्लस मत देखिए क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो तो डायरेक्शन को केवल बता रहा है। तो आप बताइए क्या ये 4a के बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 4a। तो हमेशा याद रखें जो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 4a, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पूरे पैराबोला में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इस पूरे पैराबोला में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि सभी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सब में a जरूर आ रहा है, देखिए a जरूर आ रहा है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सभी जगह a आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा सर्किल में रेडियस इंपॉर्टेंट है, अगर रेडियस आ गई तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं, है ना, पेरीमीटर निकाल सकते हैं, मतलब एवरीथिंग यू कैन फाइंड आफ्टर गिविंग अ वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल। अगर आपको सर्किल की रेडियस दी गई है तो आप आराम से एनीथिंग यू कैन फाइंड इट। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए, अगर हमें पैराबोला में ए की वैल्यू पता है ना, ए की वैल्यू अगर मुझे पता है तो ए की वैल्यू के बाद आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू जो है आराम से फाइंड कर सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा लेटेस्ट रेक्टम के लिए तो बताइए तो आप बता देंगे 4a ए की वैल्यू डालेंगे वहाँ पे, अगर बोला जाएगा इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताइए तो आप वहाँ पे भी वैल्यू डालेंगे और आंसर आ जाएगा, अगर आपसे बोला जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए तो भी वहाँ से आ जाएगा। मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो सब टोटली डिपेंड कर रही हैं ए पर, ठीक, डिपेंड कर रही हैं वो ए पर। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ए की वैल्यू। चलिए अब देखिए जरा, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं टाइप्स ऑफ पैराबोला की बात करूँ तो आपको थोड़ा सा ये भी आना चाहिए कि पैराबोला को किस तरीके से ड्रॉ करना है ना, चार तरीके होते हैं इसको ड्रॉ करने के,
ठीक है, देर आर फोर नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग पैराबोला, बट अगर चारों में से अगर आप देखें तो उसमें से केवल ये वाला जो है इसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला। तो उसमें से अब देखिए इसमें क्या है, जैसे अगर इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो देखिए वाई स्क्वायर का मतलब है कि वाई जो है मतलब ये वाली जो लेंथ है या कह सकते हैं जो एक्सिस है वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस एज अ टेंजेंट काम कर रही है यहाँ पे। आप देखिए वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स का जो पैरा ये ग्राफ बनेगा वैसे बनेगा पैराबोला का, और इसमें ये जो लेंथ है ये वाली, देखिए ये जो आपको एक्सिस दिख रही है वाई एक्सिस, ये जो है जिसे हम एक्स बराबर जीरो भी कह सकते हैं, ये हमारे लिए टेंजेंट की तरह काम कर रही है इस पैराबोला के लिए, ठीक है, जस्ट लाइक अ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। तो ये ध्यान देना है कि अगर वाई स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वाई जो है वो टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या है वाई टेंजेंट है, तो ये इसका तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या है, अगर वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर एक्स आता है तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि वाई स्क्वायर अगर है तो टेंजेंट तो वाई होगी, मतलब वाई एक्सिस ही होगी, लेकिन माइनस है तो पैराबोला उधर की तरफ बनेगा, मतलब कि इसका जो फिगर बनेगा वो अब ऐसे बनेगा, इधर की तरफ बनेगा है, और जो लेटेस्ट रेक्टम है वो यहां पर आएगी, ये वैल्यू माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगी फोकस की, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इधर आएगी, डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी क्योंकि ये लेंथ ए हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए, तो फिर x माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो इसकी इक्वेशन देखिए चेंज हो गई, क्लियर। इसी में आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए पैराबोला आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए तीसरी कंडीशन, ये तो ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरा भी तीसरा चौथा भी पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आ गया एक्स स्क्वायर बराबर फोर बी वाई, अब देखिए ये बी वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि जो एक्स है वो एज अ टेंजेंट वर्क करेगी, ये देखिए ऊपर की तरफ बनेगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये फोकस यहां पर होगा, और ये जो बी है ये प्लस बी ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव है बी की वैल्यू, तो जो ये जो पैराबोला है ये ऊपर की तरफ बनेगा, तो इसका फिगर इस तरह से, उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो इसके इधर साइड आएगी पीछे बैक साइड में, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, और आप देख सकते हैं अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखूं तो आप बताइए मुझे, ये माइनस बी की तरफ है तो एक्स वाई इक्वल टू माइनस बी आएगा, और मैं इसको लिख सकता हूँ वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ये बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, अगर एक बात आप समझ गए हैं तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तीसरा फिगर देखिए क्या बनेगा, चौथा देखिए, अगर आ गया एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर बी वाई, तो इसका अब माइनस बी है यहाँ पे, देखिए माइनस बी है मतलब नीचे की तरफ बनेगा, मतलब इसका क्या हुआ नीचे की तरफ बनेगा, मतलब पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई माइनस बी इक्वल टू जीरो, और फोकस इसका यहाँ पे आएगा कहीं, और फोकस हो जाएगा माइनस बी कॉमा जीरो कॉमा माइनस बी, जीरो कॉमा माइनस बी, जीरो कॉमा माइनस बी है ना, फोकस यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो कॉमा बी। तो इस तरीके से हम आराम से चीज़ें समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम जो है, खैर ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, अब इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट जितना भी बेसिक था पैराबोला का वो कंप्लीट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना था जो कि दे दिया गया है, क्योंकि हम कोई पैराबोला टॉपिक तो पढ़ नहीं रहे हैं भाई कि हम उसमें इतना डिटेल से जाएंगे, लेकिन हाँ जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए जो चीज़ें जरूरी थी वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम लोग इसके आगे, ठीक है, चलिए
चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है, अब हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ठीक, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, तो बस अब इसको हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप आराम से, और एक मिनट समय दीजिए और बताइए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बताइए, मुझे लगता है पिछली क्लास अगर आपको याद हो तो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लास इसमें जो मैंने आपको दी, मतलब एक तरह से लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, सब वही चीज़ें यूज हो रही हैं इसमें। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखाई गई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे देखिए x की जगह x है, 16 की वैल्यू क्या 4 है, मतलब 4a बराबर हो जाएगा 16 और a इक्वल टू हो जाएगा 4। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पैराबोला में सबसे पहले आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि a की वैल्यू जब आएगी तभी कुछ आगे प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक, चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमने ले लिया, स्टैंडर्ड पैराबोला है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, इतना तो समझ में आ ही रहा है, वाई स्क्वायर लिखा है 16। अब देखिए यहाँ पे a 4 है, मतलब यहाँ जो फोकस है a कॉमा 0 हो जाएगा 4,0, और जो लेटेस्ट रेक्टम है वो इसके फोकस से ही जाती है, ये मैं जानता हूँ। अच्छा ये इधर कितना आगे बढ़ रही, देखिए ये इतना कितना चल रही, इधर 4 चल रही है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन x इक्वल टू 4 से जा रही है, मतलब ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 4। अगर मैं इस लेटर सेक्टर की बात करूं तो ये हो जाएगी x इक्वल टू 4। अब देखिए पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटर सेक्टर, मतलब इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया वो निकालना है। तो आप बताइए ये, अब देखिए अगर आपको पिछली क्लास याद है तो मैंने वहां पे यही क्वेश्चन सेम कराया है, और उसमें ये लिखा हुआ था कि अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड अ लाइन x इक्वल टू 4। अब वहां पे आपको एक लाइन थी जो x इक्वल टू 4 थी और एक पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, और उनके बीच का बाउंडेड एरिया आपको निकालना था। तो क्या ये एक ही बात है, यहाँ पे बस लाइन वर्ड यूज ना करके लेटेस्ट रेक्टम का यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया उन लोगों ने वो क्या कर दिया, लेटेस्ट रेक्टम यूज कर दिया है। तो बात तो वही है ना, लेटेस्ट रेक्टम इज ऑल्सो अ लाइन, और अगर हम इसकी एक इक्वेशन की बात करें तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी हमारी x इक्वल टू 4, क्या हो जाएगी x इक्वल टू 4, क्लियर ये चीज। अब देखिए अब मुझे क्या, कौन सा एरिया चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया चाहिए मुझे, ठीक। अब इसके देखिए दो तरीके, आप चाहें तो इतना एरिया निकालिए और इसका डबल कर दीजिए, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें ऐसे ही कराया है,
कि मैंने इसका एरिया निकाला और इसका कर दिया डबल, क्लियर। आप चाहें तो ऐसे निकाल लें, और अगर ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे अगर नहीं निकालना है तो फिर आप पूरे का भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आगे बताने से अच्छा है कि मैं आपको ये बोल दूं कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए, और उसमें आप देखेंगे जब मैंने पैराबोला वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर ये सेम क्वेश्चन मैं वहाँ पर सॉल्व करवा चुका हूँ। तो बार बार उसमें समय खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, क्लियर। इसके लिए आप इसके सोल्यूशन के लिए प्रीवियस वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और वहां पे समझेंगे, क्योंकि वो नया क्वेश्चन होगा। चलिए अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन आपको दे दूं, देखिए इसी में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं उसको करिए आप लोग, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए। बोला गया है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, अब इनके बीच का बाउंडेड एरिया बताना है, अब इनके बीच का हमें बाउंडेड एरिया बताना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो आप इसको सॉल्व करिए, है ना, फिर मैं इसको बताता हूँ। एक मिनट से ज़्यादा का समय लेना है, एक बार देखिए और फिर बताइए, फिर मैं इसके बाद बात करता हूँ। चलिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको काफी चीजों का आइडिया होना चाहिए। चलिए खैर, थोड़ा सा मैं आपको हिंट करता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इसकी आगे बात करूँ, ठीक है। इतना सोच पाना थोड़ा सा अभी इनिशियल लेवल में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको हिंट करता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, आप सबसे पहले एक बात ही बताइए, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है भाई, ये तो कोई सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ नहीं, तो आप x को इधर ले आइए, है ना। तो देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4, ऐसे देखिए आएगा। अब एक चीज आप बताइए कि आपने एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जो इक्वेशन देखी है पैराबोला की, वो क्या देखी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये आपने पढ़ा होगा, या तो फिर -4by, दो ही आपने पढ़ा है यहाँ पे, दो ही आप जानते हैं,
अच्छा माइनस ये बताता है कि जो पैराबोला है वो कहाँ पे कहाँ की तरफ, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स टेंजेंट है, और माइनस है मतलब ये नीचे ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ, केवल इतने की बात करूँ, केवल इतने की बात करूँ, तो इक्वेशन तो आप यहीं से निकाल सकते हैं ना भाई। यहाँ पे आप बताइए 4b बराबर क्या है, 1, 4b इक्वल टू क्या है, 1 है, क्योंकि माइनस के लिए तो माइनस है ना, तो b इक्वल टू क्या आएगा, 1/4, b इक्वल टू क्या आएगा, 1/4। तो यहाँ पे आप बताइए फिर ये 4 क्या कर रहा है अलग से, आप देख सकते हैं माइनस वाई प्लस 4 है यहाँ पर, तो इसको कहाँ ले जाएं, अब इसको कैसे एडजस्ट करें। तो आप ये देखिए, ये जो है ये एक्सिस शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, इधर शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, समझ पा रहे हैं, एक्सिस को शिफ्ट किया गया है, प्लस 4 लिखा हुआ है मतलब वाई, वाई में प्लस 4 करना है आपको। तो अगर माइनस 4 यहां होता तो आप ऐसे बनाते, लेकिन प्लस 4 है तो आप ऊपर से ऐसे बनाएंगे, समझ पा रहे हैं, नहीं, इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर। तो आप बताइए ये जो है, ये देखिए यहां से 4 डिस्टेंस ऊपर है, तो ये आ जाएगा 0.4, ये थोड़ा सा इसकी कंडीशन है। अब देखिए यहां पे अगर मैं देखूं, अब मैं इसका प्रॉपर फिगर बना लेता हूं, एक प्रॉपर फिगर बना लेते हैं, ये ठीक, इस पर हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो आप बताइए मुझे, देखिए ध्यान दें, ये पॉइंट हो गया 0.4, है ना, और देखिए यहां पे बोला गया है ये इक्वेशन एट एक्स एक्सिस, मतलब कि ये पैराबोला और एक्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस तो ये वाली ना, ये वाली एक्सिस, तो इनके बीच का जो एरिया ये आपको निकालना है। तो देखिए इसके बीच का एरिया तो यही हुआ ना, ये वाला जो एरिया है ये बाउंडेड एरिया है। अब यहां पे आप बताइए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितने आएंगे, तो इसको थोड़ा सा देखिए सॉल्व करिए, आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप बताइए x एक्सिस में क्या होता है, y इक्वल टू जीरो होता है, अगर x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू जीरो होती है, तो आप y वैल्यू जीरो डालिए, यहाँ y वैल्यू यहाँ जीरो डालिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ जीरो हो जाएगा तो ऑनली 4 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, मतलब ये जो पॉइंट है ये माइनस 2 है तो फिर जीरो हो जाएगा, ये प्लस 2 है तो ये ऐसे हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक, यहां तक आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया, बोलिए। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। अब देखिए आप या तो चाहें इतना एरिया निकाल लीजिए और उसका कर लीजिए डबल, है ना, या तो फिर आप पूरा निकाल लीजिए, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप मुझे बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इसको दोबारा से एक बार और देख लेंगे, ठीक। तो फिर चलिए सॉल्व किया जाए इसको, ठीक।
ठीक। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए इसको आप पूरे एरिया को निकालिए, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए माइनस टू से टू तक इसकी जो रेंज है वो माइनस टू से टू है, और यहाँ पे आप मुझे बताइए हमें एक्स के रेफरेंस में इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, एक्स के रेफरेंस में करना है। तो आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं एक्स के रेफरेंस में करूँगा तो वाई इक्वल टू ऐसे बना दीजिए आप, और वाई वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पे, कितनी आएगी, फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरीके से आएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बताइए कैसे आ जाएगा ये, माइनस टू यहाँ प्लस टू, फोर डी एक्स माइनस इस तरीके से हम करेंगे। तो आप बताइए ये हो जाएगा कितना, फोर बाहर आ जाएगा और यहाँ अंदर आएगा एक्स माइनस टू से टू, माइनस यहाँ कितना आएगा, देखिए यहाँ आएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक करेगा, टू से टू तक। अब आप ये वैल्यूज इसमें डाल दीजिए, तो बताइए जब मैं दो डालूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा, एट, यहाँ डालूंगा दो एट आएगा, फिर माइनस माइनस टू डालूंगा तो माइनस का एट आएगा, तो ये पूरा हो जाएगा सिक्सटीन, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा सिक्सटीन। माइनस करिए, फिर यहाँ पे करिए आप एक्स क्यूब दो डालिए आठ आएगा, फिर माइनस यहाँ पे माइनस टू था तो माइनस टू, अच्छा वन बाई थ्री यहाँ से हटा लीजिए ना, वन बाई थ्री तो कॉमन आ जाएगा, अब डालिए अंदर तो टू डालेंगे तो एट आएगा, माइनस लगा के करेंगे तो फिर से एट आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये देखिए हो जाएगा सोलह माइनस आठ आठ सोलह सिक्सटीन बाई थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्टी एट बाई थ्री, माइनस सिक्सटीन भी आएगा, सिक्सटीन को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये फिफ्टी टू अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट, फिफ्टी टू अपॉन फिफ्टी टू नहीं सॉरी थर्टी टू, थर्टी टू अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सभी को समझ में आया, चलिए बढ़िया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, उसको भी सॉल्व करिए सभी लोग। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया हो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन y square equal to 2x and y equal to 2x।
फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला एंड लाइन। ठीक, ये है। अब इस पर फोकस करिए जरा और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वन मिनट यू हैव, आफ्टर दिस आई विल सॉल्व इट। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, सफिशिएंट टाइम आपको दिया गया, इसके बाद बात करते हैं इसके सोल्यूशन। देखिए समझते हैं इसको जरा कैसे बनेगा ये। सबसे पहले तो देखिए लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, तो सीधी सी बात है ये जो फॉर्मेट है ये किसको शो कर रहा है, वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स को शो कर रहा है, जिसमें फोर ए बराबर कितना है, फोर ए बराबर टू है, तो ए बराबर आ जाएगा वन बाई टू। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो पैराबोला आएगा वो किस टाइप का होगा। देखिए ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इतना तो समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये डेफिनेट यहाँ पे पता चल गया। अब आप बताइए ए कितना माइनस, ए कितना वन, ए कितना है वन बाई टू कॉमा जीरो, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप बताइए मुझे, देखिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि बोला गया है एक लाइन है वाई इक्वल टू टू एक्स फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन, तो एक लाइन भी है यहाँ पे। अब लाइन कैसी होगी, कहाँ से होगी, ये देख लेते हैं, है ना। देखिए आप वाई वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, वाई वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो आ जाएगा कितना टू एक्स स्क्वायर, सॉरी टू एक्स डालेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर आएगा, फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे आप ये गलती मत कर देना कि आपने x को x से कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें दो यहाँ पे इसके रूट्स चाहिए, अगर आप कैंसिल कर देंगे तो एक रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको इधर ले जाइए, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो करिए, कॉमन लीजिए यहाँ से, टू एक्स कॉमन आ जाएगा, टू एक्स कॉमन आने के बाद कितना बचेगा, टू एक्स माइनस वन बचेगा इक्वल टू जीरो आएगा, x बराबर एक वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू और एक x आ जाएगा जीरो, ये दो वैल्यू आ गई x, एक आ गया वन बाई टू एक आ गया जीरो। जब आप x की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो y की वैल्यू देखिए निकल जाएगी, तो y बराबर आएगा पहला टू इंटू वन बाई टू, काट दीजिए कितना आएगा वन आ गया, और दूसरी जो y की वैल्यू आएगी वो जीरो डालने पर y बराबर जीरो ही आएगा। ठीक,
ये बात यहाँ पे समझ आ रही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो यहाँ पर y आया वो कितना है, 1, और यहाँ पे जो यहाँ पर आया 1/1 और 0 आ गया, दो वैल्यू y की आ गई, दो वैल्यू x की आ गई। अब आप ये देख रहे होंगे कि एक कोऑर्डिनेट ऐसा है जिसमें x और y आ रहा है 0, 0, तो ये x 0, y 0, इसका मतलब कि एक पॉइंट यहाँ है 0, 0, x और y 0, 0, दूसरा x है 1/2 और y है 1, तो देखिए x 1/2 का मतलब इसके जस्ट ऊपर होगा और y 1 होने का मतलब ये हुआ, देखिए ये तो x हो गया, ये y 1 हो गया, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ऊपर वाली ये 1 हो जाएगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये कितना आएगा, 1/2, 1 आएगा, तो इसको जो मिलाने वाली जो लाइन है वो ऐसे हो जाएगी कुछ। तो आप देखिए पैराबोला और इस लाइन के बीच का ही तो आपको एरिया निकालना था, ये एरिया आपको फाइंड करना, बस इसकी वैल्यू हमें चाहिए, अब तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इतना आसान नहीं है अभी भी फिलहाल इसको करना, इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको थोड़ा और इसमें समझदारी से काम लेना होगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि ये एरिया आएगा कैसे, तो आप अगर थोड़ा ज्योमेट्री का आइडिया रखते हैं तो आप मुझे बताइए, इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, और अगर मैं देख सकते हैं आप इस पूरे कर्व में से, देखिए इस पूरे यहाँ से इस पूरे इस पॉइंट को आप कुछ मान लीजिए, इस पॉइंट को आप मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, ये O हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए R, तो आप बताइए PQORP, इसमें से आपको माइनस करना है इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब PO2 का एरिया, तो जाके ये शेडेड रीजन जो है ये आएगा। बोलिए ये करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसका एरिया निकालना है और फिर आपको ट्रायंगल के एरिया से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और जैसे ही आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए PROM ऐसे कुछ मान लीजिए, तो ये आ जाएगा PROMP, मतलब शेडेड रीजन आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि क्या इतनी बात आपको समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई तब तो ये आगे सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं तो। तो सबसे पहले आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब आगे हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक। चलिए देखते हैं, तो आपको करना क्या है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इस कर्व मतलब इस पैराबोला का ये जो एरिया ये वाला पूरा, इसके एरिया में से आपको ये वाला एरिया माइनस करना है ना। चलिए देखते हैं कैसे करें इसको। तो सबसे पहले आप बताइए पैराबोला की इक्वेशन क्या दी गई है, y² = 2x, मतलब y = √2x, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो ये प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस प्लस दो में आएगा। तो एक बार आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 1/2 के बीच में, किसको, √2x को, फिर इससे माइनस करिए, फिर 0 से 1/2 के बीच में, और ये लाइन के नीचे का ये जो एरिया है अंडर दिस लाइन है ना, पहले अंडर दिस कर्व हमने एरिया निकाला, फिर अंडर दिस लाइन निकाला, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप, एरिया अंडर द कर्व माइनस एरिया अंडर द लाइन, ऐसे कर सकते हैं आप। तो लाइन क्या है, लाइन है y = 2x, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा, √2 है तो √2 तो सीधी सी बात है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये x का आ जाएगा x² / 2, लिमिट लोअर और अपर लिमिट लगा दीजिए माइनस, इसका भी 2 बाहर आएगा और ये आ जाएगा x²
अपॉन टू, और ये आ जाएगा 0 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताइए, पहले आप डालेंगे इसमें अपर लिमिट मतलब 1/2, तो ये आएगा √2 √2 इंटू 1/2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, अपॉन 2 आएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। बस अन भाई, उसके बाद देखिए जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -2 जब इसमें आप 1/2 डालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 अपॉन 2 आएगा, ये 2 ऐसे आ जाएगा माइनस, ये तो 0 आ जाएगा, इस तरीके से पूछा आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये कुछ आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, देखिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, 1/2 आपने डाला, 1/4 आया, 2 हाँ सही है, ठीक है। अब इसके बाद आप बताइए कि अगर हम नॉर्मल डेरिवेशन कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। अच्छा ओके, गलती ये हो गई कि यहाँ पे हमने रूट, जब हमने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x था तो ये रूट में आएगा दोनों, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दें इसको। यहाँ पे आएगा √2 इंटू √x, है ना, तो ये √2 बाहर आएगा और ये आएगा देखिए x की पावर 1/2 प्लस 1/3/2, है ना, और ये हो जाएगा 1/2, 0। यहाँ से माइनस करिए, यहाँ से क्या था, माइनस था, ठीक, ये 2 बाहर आएगा, ये देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये अपर और लोअर लिमिट आप लगा दीजिए। अब चलिए सॉल्व करिए, अब आ जाएगा, जब आप यहाँ डालेंगे 2 को 1/2 को तो 1/2 की पावर 3/2 आएगा ना, 1/2 की पावर ये आएगा 3/2 अपॉन 3/2, ऐसे बनेगा, ठीक। अब फिर यहाँ पे आएगा, जब 0 डालेंगे तो 0 की पावर कुछ भी लगाइए आप, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कोई फायदा नहीं है करने का। यहाँ पे जब 1/2 डालेंगे तो ये 1/4 आएगा और नीचे 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा, आगे 0 आएगा, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी 0 आएगा, वो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो तो जानते होंगे आप। अब सॉल्व करिए, तो देखिए ये आएगा √2 इंटू, ये कितना, देखिए 1/√2 की पावर 3 मतलब 1/2√2 और ये 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/8, ये आ जाएगा 4 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √2 से √2 कट जाएगा, ये आएगा 1/3 माइनस 1/4, तो देखिए 12 एलसीएम आ जाएगा और ये 4 माइनस 3 मतलब 1/12 स्क्वायर यूनिट आएगा और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा समझदारी से इसको देखा होगा तो आराम से इसका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कई सारी चीज़ें इसमें जो है कैलकुलेशन वाली एलजेब्रा से आप कह सकते हैं सॉल्व हो जाएगा ये, तो थोड़ा सा एलजेब्रा यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी जो कि आपको इजिली आंसर तक ले जाएगा, ठीक। चलिए
अब देखिए इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी आपको, जैसे मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि जो आंसर है ये आपका सही है कि गलत है, तो इसको कैसे चेक करेंगे आप, तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, इसको समझिए है ना। कभी भी आपको एरिया निकालना, देखिए कभी भी आपको एरिया निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पैराबोला है एंड अ लाइन, एक कोई लाइन है और इनके बीच का कभी भी आपको बाउंडेड एरिया निकालना हो, इनके बीच का बाउंडेड एरिया का एक तरह से ये फॉर्मूला है, क्या है, 8a² / 3m³। ये क्या निकाल के देगा हमें, एरिया निकाल के देगा। जैसे ये वाला था अपने पास, अब देखिए ये किस टाइप की का पैराबोला, जैसे मान लीजिए कुछ भी दिया गया है पैराबोला और एक लाइन y = mx, इस फॉर्मेट में लाइन होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में पैराबोला होना चाहिए और तुरंत आप इसमें निकाल के डाल देंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं y² 4x की, तो यहां से a और m दो वैल्यू में चाहिए, तो a यहां से कितना आया था, y² = 4ax के हिसाब से 4a = 2 आएगा, तो a आ जाएगा 1/2, a तो हमें पता चल गया 1/2, ठीक है। m कितना आएगा, तो देखिए m तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है y = 2x में, m कितना है, m = 2, तो यहाँ डालिए, चलिए 8 × a कितना है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा 4, नीचे 3 × m कितना है 2 है, 2 की पावर 3 8, तो देखिए 8 कट गया, 1/4/3 मतलब 1/12 आ गया, देख सकते हैं आप 1/12 ही हमारा आंसर आ जाए, समझ गए बात। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन आपको दे दूं y² = 4x and y = x, इसका आपको बताना है कि इन दो कर्व का, ये कह सकते हैं एक पैराबोला एक लाइन के बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो कितना आएगा, तो बिना सॉल्व किए आप इसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इस फॉर्मूले के थ्रू, क्या लगाएंगे, 8a² / 3m³ लगाएंगे। चलिए लगाते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता, तो आप बताइए क्या आएगा, देखिए 4x मतलब 4ax की जगह 4a की जगह 4 है, तो a बराबर आ जाएगा 1, और यहाँ से देखिए m बराबर भी कितना आ गया 1 आ गया, तो आप डालिए a × 1² 1, ये 3 × 1³ 1, तो ये फाइनली आ गया 8/3। इस तरीके से आप जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हैं इसमें, क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलिए तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन और दे देता हूँ ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, इनको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
एक तो यही वाला क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर आपको निकाल के दिखा दिया है, लेकिन आपको पूरा सोल्यूशन करके देखना है कि इसका आंसर सच में 3/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका आंसर अभी हमने चेक किया ना, 3/8 आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एंड y इक्वल टू 4x, ये लाइन है ना, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। एक है y इक्वल टू, मान लीजिए दिया गया x स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 4x, इसका भी आपको निकालना है, इसका भी आंसर आपको निकालना है। ये तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक ठीक है। मान लीजिए कि ये दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, दोनों के आंसर भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप इसको कम से कम रीचेक कर सकें, ठीक है। आंसर तो तुरंत आ जाएगा, है ना, अगर आप फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया वो लगा देंगे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए उसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। चलिए ये टॉपिक समाप्त हुआ, जो भी बेसिक्स थे, जो भी क्वेश्चन हो सकते थे, जो भी समय के हिसाब से, वो यहाँ पे कराए गए। आगे आपके ऊपर है कि आप इसको कितना डिटेल से पढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अगला टॉपिक है हमारा 3D ज्योमेट्री, तो उस पर बात करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।